नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंडका विधानसभा में। हमारे साथ निगम पार्षद अनिल लाकड़ा जी आम आदमी पार्टी में इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। सर, आपको पहले तो क्षेत्र के नवरात्रों की सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रे चल रहे हैं, आप अपने श्रद्धालुओं में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं भी अपने जो अपने क्षेत्र की जनता है और मेरे देश की जनता है, उनको सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माता रानी जो है आप सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखे। और जो है इसके अलावा जो है माता रानी आपकी जो ये कोरोना जैसी भयानक जो बीमारी चल रही है, इसके इससे भी आप लोगों को बचाई, यही मेरी कामनाएँ हैं। सर, जिस प्रकार केसेस बढ़ रहे हैं पूरे देश भर में, दिल्ली जैसा राजधानी क्षेत्र में, सरकार ने सर लॉकडाउन लगाया है, कुछ वीकेंड को लेके बात करते हैं, क्या सरकार ने ये लिए सकती है, आपको लगता है कि? देखिए, दिल्ली सरकार जो भी काम करती है वो दिल्ली के लोगों के हित के लिए ही होता है। चाहे कोई भी काम उठा के देख लो, जी सर, पहले भी जो है लॉकडाउन लगा था वो भी दिल्ली के जनता को देखते हुए लगाया गया था। दिल्ली सरकार अपना जो जो काम उनको करना चाहिए था, पूरे देश के अंदर सबसे पहली ऐसी सरकार है जिसके यहाँ पर जो है चाहे बेड की जो हॉस्पिटल के अंदर बेड है उनकी संख्या हो या भाई ऑक्सीजन की जो संख्या हो, तो हर चीज़ में जो है दिल्ली सरकार एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री जो है एक आगे रखने वाली सोच ले लिए हुए मुख्यमंत्री जो बैठे हैं, वो उन्हीं की सोच का परिणाम है कि पीछे भी हमने जो है कोरोना से मुकाबला किया था और दिल्ली के अंदर कोरोना को हराया था, लेकिन अब दोबारा से पूरे देश के अंदर जो है आज फिर से जो स्थिति खराब होती जा रही है, दोबारा से जो है कोरोना अपने पांव पसार रहा है। लेकिन जो है दिल्ली सरकार और हम सभी हम तैयार हैं इस जो है बीमारी से लड़ने के लिए। आज जो है अभी जो छुट्टी का जो वीकेंड पे जो है दो दिन का जो है कोरोना पाबंदी लगाई गई है, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी एक सही सोच है उनकी। क्योंकि देखिए, हम लोग ये नहीं चाहते कि दिल्ली में लोगों का काम धंधा बंद हो, क्योंकि पीछे भी जो है जब लॉकडाउन लगा था देश के अंदर बहुत जो है बड़ी परेशानी आ गई थी, लोगों के घर नहीं चल रहे थे, सबका काम धंधा ठप हो गया था, बिजनेसमैन जो है घर बैठ गए थे, ना किसी की फैक्ट्री चल रही थी, ना किसी का गोडाउन चल रहा था, ना किसी की दुकानें चल रही थी, सब जो है चौपट हो गया था। अब अगर दोबारा से अगर ये इस तरह का दोबारा से लग गया पूरा लॉकडाउन, तो ऐसा हाल हो जाएगा देश का कि भाई रोटी खाने के लिए भी जो है ना लाले पड़ जाएंगे। तो इसी को जो है दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने जो है एक नेक और सही सोच का परिणाम अपना रखते हुए सिर्फ दो दिन का लॉकडाउन जो है लगाया है, तो मैं इसकी सराहना करता हूँ। सर, 2021 को आपको जो रत्न अवार्ड दिया गया, सर निगम पार्षद आप यहाँ के मुंडका से रहे हैं, तो 4 साल आपको बीत चुके, तो काम को लेके बात कर लेते हैं सर क्षेत्र। बिल्कुल, देखिए ये अवार्ड मेरा अवार्ड नहीं है, ये अवार्ड मेरी क्षेत्र की जनता का अवार्ड है। उन्होंने जो है जो जिम्मेदारी दी थी, मैं अपनी तरफ से एक नेक नीयत के साथ, एक ईमानदार नीयत के साथ मैं अपना काम कर रहा हूँ, उसी का परिणाम जो है ये अवार्ड मिला, तो ये मेरी जनता को समर्पित है। तो सर, ये जान लेते हैं 1 साल बाकी रह गया MCD चुनाव को लेके, 15 साल से भाजपा MCD शासित सरकार बैठी है, आने वाला समय कैसा रहेगा सर? देखिए, पिछले जो है 15 साल में BJP ने इस निगम को अपने भ्रष्टाचार के कारण इतना डुबो दिया है कि पीछे आपने देखा होगा हमारे कर्मचारियों को 4-4, 6-6 महीने की तनख्वाह के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा था, जो है धरने पर बैठना पड़ रहा था। उसके अलावा जो ग्रुप डी था उसको छोड़िए, उसके अलावा हमारे टीचर्स थे वो भी जो है प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी धरने पर बैठे थे, DBC कर्मचारी थे वो भी धरने पर बैठे थे, जो इंजीनियरिंग विभाग था वो भी धरने के ऊपर बैठा था, हमारे डॉक्टर जो है हड़ताल के ऊपर बैठे थे। तो इस जो है पिछले 15 साल में इस MCD को ऐसा खोखला कर दिया है इन लोगों ने कि MCD अब आगे जो है चल नहीं पाएगी इनसे, इसलिए जो है बदलाव होना बहुत जरूरी है। आने वाले समय में दिल्ली के लोग बड़े जागरूक है, वो बहकावे में नहीं आते, उनको रियलिटी पता है कि भाई कौन जो है दिल्ली के लोगों के हित में कौन सी सरकार ठीक रहेगी, कौन सी गलत रहेगी। अब MCD से भी जो है इनका BJP का जाना तय है, और MCD तभी सफल हो पाएगी जब जो है आम आदमी पार्टी की सरकार MCD के अंदर आएगी, तभी जो है हर घर का कूड़ा उठेगा, तभी जो है रोड नालियां बनेंगी, तभी जो है ये अब देखिए
पिछले साल लॉकडाउन के चक्कर में जो है सभी के काम धंधे बंद हो गए थे, लेकिन एमसीडी में तो बीजेपी शासन कर रही है, उन्होंने उसमें क्या किया, एक ऐसी मार और व्यापारियों के ऊपर मार दी, व्यापारियों के साथ में साथ जो गरीब लोग थे, जो दुकानदार थे छोटे छोटे, उनके ऊपर भी मार मार दी। हर जो है एक यूजर चार्ज जो है उन्होंने ऐसा लगा दिया कि हर गोडाउन के ऊपर 5,000 रुपये महीना, 60,000 रुपये एडवांस एक साल का। हाँ जी, इसके अलावा जो मिठाई की दुकान है या और जो दुकानें थी उसके ऊपर जो है 2,000 रुपये महीना और 24,000 रुपये एडवांस। उसके अलावा जो छोटी दुकानें, चाहे नाई की दुकान हो या छोटी सी जो दुकानें थी, उसके ऊपर भी 500 रुपये महीना और 6,000 रुपये एडवांस, ऐसे टैक्स लगा दिए। लेकिन जो है ये टैक्स जो है जहाँ पर बीजेपी के निगम पार्षद हैं वो वहीं से वसूल कर रहे हैं। मैंने अपने क्षेत्र के अंदर अधिकारियों का स्पष्ट जो है मैंने पहले ही बोल दिया था, कभी मेरे एरिया के अंदर किसी से भी कोई पैसा वसूल नहीं किया जाएगा जी। क्योंकि पहले ही काम धंधे नहीं थे, क्यों किसी को इतना मार रहे हो भाई। बीजेपी वालों को शर्म आनी चाहिए, ऐसे ऐसे नए नए कानून लेके आते हैं, ये हाउस टैक्स डबल कर दिया, लाइसेंसिंग टैक्स डबल कर दिया, ये क्या कर रहे हैं, ऐसे एमसीडी थोड़ी चलेगी जी। आप तो एमसीडी को और दिल्ली के लोगों को बर्बाद करने पे तुले हैं। एक नेक नियत होगी तभी एमसीडी चल पाएगी, नहीं तो एमसीडी को बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। अच्छा अनिल जी, लास्ट में और अपनी जनता में आपको संदेश देना चाहते हैं। देखिए, मैं तो सबसे पहला ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज जो है कोरोना ने दोबारा से ऐसी भयावह स्थिति हमारे देश के अंदर कर दी है, उसके लिए हम सभी को, देखो सरकार तो जागरूक है, सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग सेफ रहें, अपने आसपास सेफ्टी रखें, अपनी सेफ्टी तो ज़रूरी है ही है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, हाथ को जो है एक दूसरे के संपर्क से बचना है। धन्यवाद आपका अनिल लाकड़ा जी। तो यह हमारी सीधी बात अनिल लाकड़ा जी से स्टार सिटी के साथ, मैं जितेंद्र गुप्ता।